इस वक्त कर्नाटक बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और कर्नाटक में प्रख्यात लिंगायत मठ के एक बड़े संत पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। आपको बता दें, इन संत पर दो छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसी मामले में संत को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया है। बता दें, संत का नाम शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर पक्ष से लेकर विपक्ष तक चुप है। कोई भी बड़ा नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है और जो कुछ एक नेता इस पर बोल भी रहे हैं वो पीड़ितों के सपोर्ट में नहीं बल्कि आरोपी संत के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल देखिए, पूरा खेल वोट बैंक का है और राजनीतिक रोटियां सेकने का है। दरअसल कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को राजनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसीलिए इसके धर्मगुरुओं को खास सम्मान मिलता है। लेकिन सम्मान एक तरफ और अगर कोई गलत कर रहा है, उस पर कोई आरोप लग रहा है, तो उस पर चुप्पी साधना कर्नाटक के बड़े नेताओं पर सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात, जो एक आध नेता बोल भी रहे हैं वो संत के समर्थन में ही आकर खड़े हो गए हैं। और तो और, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इन नेताओं ने तो संत को बेकसूर बता दिया है। बता दें आपको, इस समुदाय की कुल 18% हिस्सेदारी है और कई सारी सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। तो निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए संत के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जांच से पहले ही आरोपी शिवमूर्ति को बेकसूर बता दिया। येदियुरप्पा ने कहा, ये स्वामी जी के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनके खिलाफ आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है, जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई, उन्होंने भी बयान दिया है जिसमें वो भी संत के लिए समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पीड़ित नाबालिगों को इंसाफ दिलाने की कोई बात नहीं की। बोमई ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जांच के बाद ही सच पता चलेगा। हालांकि अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये नेता क्या कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अब आपको जरा उस आरोपी शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू के बारे में बताते चलते हैं जिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। बता दें आपको, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित विख्यात मुरुगा मठ के वो महंत हैं। ये मठ अपने आप में राजनीति के लिए काफी अहम है। कहा तो ये तक जाता है कि जिस पार्टी को इस मठ का समर्थन मिल जाए उसका सीधा असर चुनावों में देखने को मिलता है और पार्टी को जमकर फायदा भी होता है। खैर, अब जिस तरीके से संत के समर्थन में ये बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इसका फायदा और नुकसान क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जांच में निकलकर क्या कुछ सामने आता है, आरोप कितने सही साबित होते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।